दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसे आदिवासी मार्केट में जहाँ पे आपको रोजाना की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आसानी से मिल जाएगी। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ रांची के धुरवा साप्ताहिक आदिवासी मार्केट में, जहाँ पर आपको चिकन, फिश, क्रैब, पॉर्क, स्नेल्स सब कुछ खाने को मिलेंगे। और खास बात क्या दोस्तों कि सारी चीज़ें आप अपने सामने बिल्कुल फ्रेश वहीं पे बनवा भी सकते हैं। मतलब ये बिहार में जो हम लोगों के ताड़ी मिलता है वैसे तो नहीं होगा ना? क्या बता सर हमको आप तो एक्सपीरियंस है ना बहुत अच्छा है सर। तो दोस्तों ये जो मार्केट है ना बड़ी यूनिक सी, क्योंकि इसमें कपड़े भी मिलते हैं, सब्जियां भी मिलती हैं, हर तरीके के आइटम जो है वो सारी चीजें मिलेंगी। सब्जी भी सस्ता ही मिलता है इधर, इसका अचार बनता है बस करीब ना हो। अच्छा, अचार इसका छोटा छोटा बनेगा और छिलका बनता है इसका। अच्छा, खाना बनता है। अच्छा, मसाला वाला खाना चाहते तो मसाला वाला भी खा सकते हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह क्या बात है, ये बहुत यूनिक। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल अलग सी चीज़ मुझे देखने को मिली है, हमारी तरफ तो ये मिलता नहीं है। खैर और ये यही रांची में ही मिलता है, झारखंड में मिलता है। हाँ ये मतलब वीकली मार्केट है, तो जो मार्केट जो लोकल मार्केट है उससे सस्ता मतलब मिलता है। एक सप्ताह का सामान यहाँ से ले लेना है आपको। हाँ ऐसे रहता है ये हमारे तरफ चंडीगढ़ में भी वीकली मार्केट लगती है, मगर वहाँ पे क्या है कि जैसे सिर्फ सब्जी और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। बांस का आपको दिखाया थे भाई, ये कटा हुआ है। अच्छा वही बांस का छोटा छोटा काट के। अच्छा ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ना इसको इसी का भुजिया बनेगा, इसी का छिलका बनेगा ना। अरे वाह, ये हड़िया जो होता है ना, हड़िया में ये चीज डाल के पीते हैं ना। ये डाल के पीते हैं इससे क्या होता है चाचा? ये डाल के पीने से क्या होता है? अच्छा लगता है? नशा होता है। अच्छा नशा होता है, नशीला पदार्थ यही है उसका ना। अच्छा तो हड़िया में ये डाल के पीते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रानू बोलते हैं। रानू, ये देख सकते हो दोस्तों ये भी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ मुझे देखने को मिला है, इसको रानू बोलते हैं। और ये हड़िया जो यहाँ का लोकल ड्रिंक होता है वो उसमें डाल के पीते हैं। और ये देखिए सूखा मछली जो है, जैसे ये झींगा होता है छोटे वाला वो रखा हुआ, ड्राइड फिशेस वगैरह है ना। और यहाँ पे देखिए ये छोटी वाली फिश जो है वो भी रखी हुई है, और उस तरह की इससे थोड़ी बड़ी बड़ी। तो रवि अभी हम जैसे बीचों बीच आ गए हैं मार्केट के, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दुकानें जैसे लगी हुई है सारी की सारी, तो मतलब अपने हिसाब से कोई भी खरीद के कुछ लाता है। आप कुछ भी खरीदिए, चिकन खरीदिए, मटन खरीदिए, पॉर्क खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, उसके बाद इस मार्केट में आइए। अंदर में बहुत सारा आपको दिखेगा छोटा छोटा झोपड़ी जहाँ पे चूल्हा बना रहता है, 8-10 चूल्हा, 3 चूल्हा, 4 चूल्हा बना रहता है। आप उसको दीजिए, केजी के हिसाब से लोग बनाता है, मसाला वसाला सभी लोग देगा। खाली आपको अपना मटेरियल लेकर आना, मतलब चिकन लाना चिकन लाइए, दे दीजिए, बना के दे देंगे। वो बना के दे देंगे, बना के दे देंगे, जैसा बोलिएगा वैसा बनाएगा। साथ में आपको यहाँ चावल का रोटी भी मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, मतलब जितना भी झारखंडी ट्राइबल फूड होता है वो सब भी ये लोग बेचता है लोग। हाँ जैसे यहाँ पे भैया हैं एक, ये कुछ बना रहे हैं, ये देखते हैं क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे भैया? पॉर्क है। क्या ये देखिए यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, और भैया जो है यहाँ पे ये बना रहे हैं। कितना है भैया ये? 2 kg। एक जगह देखिए उधर बन रहा है, ये देखिए ऑलमोस्ट तैयार भी है इधर। और दोस्तों यहाँ पे ना चिकन की ना सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे पंजा देख सकते हैं आप, यह मुर्गे की स्किन भी रखी हुई है, साथ ही साथ उसकी इंटेस्टाइन, कलेजी, पोर्ट कलेजी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये मैंने पहली बार देखी है दोस्तों, यहाँ पे जो स्किन रखी हुई है ना मुर्गे की, वो मैंने कहीं और नहीं देखी थी, यहीं पर देखने को मिली है मेरे को। जितना मुर्गा का लोग प्रेम नहीं करते उतना मुर्गा का ये सब पार्ट को प्रेम करते हैं। नॉनवेज में दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, वो है बंडा। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि पॉर्क यानी सुअर होता है, उसको भी यहाँ पे लोग बहुत चाव से खाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सुअर के जो पीसेज हैं पॉर्क के बेसिकली वो काट के रखे हुए हैं, और उसका जो पीस होता है ना दोस्तों, ये जो मीट होता है इसका बहुत ही ज़्यादा फैटी होता है, काफ़ी अच्छा भी माना जाता है खाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे काट काट के ना लोगों में बांटा जा रहा है, मतलब लोगों को बेचा जा रहा है। इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 300 रुपये पर केजी है। तो दोस्तों मार्केट तो हम घूम रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे ना मैंने क्या पकड़ा ये देखो केकड़ा, ये लाइव मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा है दोस्तों। वैसे तो मैं कलकत्ता गया था, मैंने एक बार खाया भी है इसको, मगर इस टाइम में ना मेरे को डर भी लग रहा था भाई, पर ये जो इसके क्लॉन्स है ना, मतलब इसमें ना फंसा के ना ये लॉक किए हुए, मतलब ये खुलेंगे नहीं। और ये देखो इधर ना हाथ में मेरे ये गड़ा भी रहा है। तो ये क्या इसका वो तोड़ दे रहे हैं क्या काटने में, जो काटता है? काटता है। अच्छा फिर काट देगा ना? हम लोग मतलब वो कोई ले जाता है उसको कट तोड़ के दे देते हैं। हाँ। जी जी घर में वो पकड़ने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ तो जो पकड़ता है उसी को आदत हो गया है। 180 किलो दे रहा है। 180 रुपये किलो। हाँ 40 रुपये पौआ। फ्राई करके ग्रेवी पूरा, और इसका तरी जो पीजिए तो तरी इतना पीजिए कि वो तरी में जितना शरीर का आत्मा हीट हो जाए। अच्छा हीट करने का काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना घोंघा भी है 40 रुपये किलो। और ये है दोस्तों ये जो खेतों में से ये बिल के लाते हैं, और वो यहाँ पे बेचा जाता है घोंघा।
स्नेल्स होती है ना जो हमारे घरों में निकलती है, खैर ये तो ऑर्गेनिक कह सकता हूँ क्योंकि ये तो खेतों से आई है सारी। झारखंड में जो है ये बहुत चलता है। ये क्या होता है? बनाते हैं ये लेजर से छिलाता है बाल। ये मुड़वा इसको कैसे बोलते हैं? इसमें इसको लेजर से इसके बाल को छील लिया जाता है बाल करके। अच्छा, जैसे कि नॉर्मल से देखिए ये रखा हुआ है, इसका जो स्किन है वो निकाला गया है ना, इसमें स्किन नहीं निकाला जाता है मोस्टली झारखंड में, मतलब झारखंड में आदिवासी वर्ग के लोग इसको छील के खाना। तो मतलब ये जो मटन बनता है वो विद स्किन बनता है, विद स्किन बनता है, इसका टेस्ट अलग होता है। अच्छा, स्किन के लिए मतलब स्किन का भी टेक्सचर आता है। तो आप लोग सब लोग दोस्त हैं तो क्या मतलब आजकल, मतलब आज सब्जी की पूरी खरीदारी करके निकले हैं? हाँ, निकले 3 दिन के लिए। 3 दिन का ये सामने काम करो, लाइट हाउस। अरे वाह, तो ये मतलब जो मार्केट लगती है तो मतलब हफ्ते में एक बार सामान लेके? हफ्ते में दो बार लगती है वाली। हाँ। अच्छा, कब कब? शुक्रवार। अच्छा, मंगलवार और शुक्रवार, तीन। हाँ। मतलब 2 दिन लगती है। बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब हर चीज तो मिल ही जाती है कि नहीं है? क्या मतलब बाहर जो लोकल मार्केट होती है जैसे शॉप्स वगैरह होती है वहाँ से तो सस्ता ही मिलता होगा? बिल्कुल सस्ता। क्या बात है, इतना फर्क हो तभी बात। मतलब होलसेल मार्केट टाइप हो जाती है कि हफ्ते में एक बार लगता है, पूरा पूरा खरीदो और अपने घर में बैठो आराम से, है कि नहीं है? चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। सब्जियां भी है, कपड़े भी है, नॉनवेज भी है, सब तरीके का नॉनवेज भी मिल जाएगा और वो भी डिफरेंट डिफरेंट। रंगीले लोग भी मिलेंगे, एक से एक लोग मिलेंगे, मतलब हर तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बहुत बोलते भी हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग शर्मा जाते हैं, तो मतलब एक मिक्स कल्चर हो जाता है ना, एक जगह पे सारी भीड़ हो अगर तो वो कल्चर अलग ही हो जाता है एक तरीके का। तो आइए दोस्तों, आपको ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ जो कि है ये पैकेट। जी हाँ दोस्तों, ये है चंपारण अहुना मटन का सीक्रेट स्पाइसेस। जी हाँ दोस्तों, ये कहूंगा मैं सीक्रेट स्पाइसेस, जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो इससे आने वाला है। और ये ना आप अगर घर में बना रहे हैं तो मात्र 20 ग्राम में ना आपको 1 kg मटन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कमर्शियल किचन रन करते हैं जहाँ पे आप अहुना मटन खिलाते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, कस्टमर को कंसिस्टेंसी देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये पैकेट यूज़ करके ना, यानी कि ये मसाला यूज़ करके आप लोगों को ना एक ही जैसा स्वाद हर बार दे सकते हैं। अब आपको मंगवाने के लिए क्या करना है दोस्तों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करनी है या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है उसको विजिट करिए, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इजीली और अपने कस्टमर्स को या फिर घर में आराम से ये मटन जो है बना के खा सकते हैं। भैया ये हम बेच रहे हैं, दांतों का दवाई है, दर्द वाला है, खुजली वाला है, दिनाई के लिए, घाव के लिए, जमा के लिए, दांत सफा करने वाला है, चेहरे का जैसे दागी वागी होता है, झावा पड़ता है, फुंसी होता है, उसको मिटाने वाला क्रीम भी है। बालों के लिए तेल है, जो आपका बाल टूटता है, झड़ जाता है, झड़वा का बंद करेगा, बाल को घोनो निकलेगा, लंबाई करेगा, मजबूत बनाएगा, लगाने वाला मालिश मैसेज करने वाला दवा है, जो कमजोरी है कमजोरी को दूर करेगा, थोड़ा मोटा भी करेगा, लंबाई भी बढ़ाएगा, नाश को स्ट्रॉन्ग करेगा, टाइमिंग बढ़ाएगा, ये सब दवा है, सब आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट है। अभी देखिए हम लोगों का मूड तो ऐसा है ना कि अभी लग रहा है कि इस मार्केट में तो पूरा घूम लिया, और सोच रहे कुछ बनवा के भी देख लिया जाए, चाहे फिश हो या कुछ भी, देखते क्या बनवाना है और बनवा के एक बार ना शायद टेस्ट करके भी देख ही लेते हैं। चलो, और फाइनली दोस्तों हमने अपने लिए भी फिश जो है वो सिलेक्ट कर ली है। लगभग 500 ग्राम हमने फिश जो है वो ले ली है, इसको अच्छे से साफ करवा रहे हैं और अभी पास में ही किसी दुकान में ले जाके इसको बनवाएंगे। देखते हैं अभी लेके चलते हैं, या तो तवे पे फ्राई करवाएंगे या फिर देखते हैं किस तरीके से बनवा सकते हैं। मेरे ख्याल तो अभी ना फ्राई करने का मौसम हो रखा है। देखो मौसम, देखो कितना अच्छा हो रखा है, देख रहे हो क्या मौसम है यार, बिल्कुल बढ़िया वाला। और ऐसे में अगर मछली खाने को मिल जाए मज़ा आ जाए, है ना, वो भी फ्राई वाली। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो एक दुकान पे हम आके रुक गए हैं जहाँ पे अपनी जो मछली है वो बनवाने वाले हैं। यहाँ देखिए ये जो चूल्हे हैं ना वो रखे हुए हैं, यानी कि अंगीठियाँ जो हैं वो रखी हुई हैं, चार अंगीठियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ें बन भी रही हैं। जैसे कि भाई क्या बन रहा है इसमें? ये है बंदा बन रहा है, जैसे पॉर्क है दोस्तों वो बनाया जा रहा है। देखिए तीन तो ये लगे हुए हैं यहाँ पे ना पतीले, ये देख रहे हो तसले से, उनमें सारी चीज़ें बन रही है। और हमारी जो मछली है ना वो भी हम यहाँ पे दे चुके हैं। अब भैया इसमें मसाला वसाला लगा के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। कोयले की आँच पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और आगे का प्रोसेस चालू हो चुका है। ये नमक डाल रहे हैं अभी, और ये है हल्दी, ये मिक्स कर दे रहे हैं इसको, रूप में छोड़ दें। ये तेल डाल रहे हैं, खाली है ना, खाली है अंकल। ये मछली अभी रेडी हो चुका है,
ये अभी हम निकाल रहे हैं सखुआ का पत्ता में। ये हो गया मछली रेडी बन के। Cheers! ये है हड़िया, ठीक है, झारखंड का बहुत ही फेमस, बहुत पसंद किया जाने वाला ड्रिंक। चावल से बनाया जाता है, इसको बोलते हैं हड़िया। और तो साथ मतलब, में है मच्छी, मच्छी मच्छी तली हुई मच्छी आज बनवाई हमने इस मार्केट में। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का यहाँ घूमने का, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो इसका होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। हड़िया जो है चीज़ होने वाली है, मतलब ये बिहार में जो हम लोगों के ताड़ी मिलता वैसे तो नहीं होगा ना, क्या बता सर हमको। आप तो एक्सपीरियंस है ना, बहुत खट्टा है, खट्टा है, खट्टा में। चलिए आइए पी के देखते हैं कैसा है। आइए आइए देखिए तो। टेस्टी है यार, नो डाउट। यार इतना ओवर एक्टिंग चल रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। आप पीते हैं इसलिए आपको ठीक लग रहा है। देखिए हाँ नो डाउट खट्टा है, हल्का सा कार्बोनाइज है ना, मगर टेस्ट अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा। अरे कैसा लगा सर, अभी हम बोल नहीं सकता हूँ, पहले मछली खाऊंगा। अभी मछली खाएंगे, पहले मछली हम भी टेस्ट करते हैं यार ज़रा। ये देखिए दोस्तों, हाँ हाँ हाँ, देख रहे क्या धुएं छोड़ता है हमारा जो मछली है। वाह जी वाह, टेस्ट करते हैं। मछली बहुत बढ़िया फ्रेश एकदम। देखो मछली खाने में ना कई लोग अटकते हैं क्योंकि इसमें कांटा होता है। नहीं ये छोटा वाला ना, इसका कांटा आप खा सकते हैं। बड़ा बड़ा कांटा है, मतलब वो छोटे वाले कांटे हैं, बहुत बढ़िया। और बीच में एक एक बड़े वाले कांटे हैं, वो आप इजीली निकाल भी सकते हो। टेस्ट बहुत बढ़िया, मस्त टेस्ट आ रहा है। सरसों के तेल में इसको फ्राई किया गया है, बहुत ही लाजवाब। आपको पता ही, देखिए मछली के हम बहुत बड़े फैन नहीं है, लेकिन स्टिल ये बहुत शानदार मछली बनी है। छोटा छोटा थोड़ा हल्का फुल्का कांटा है, अच्छा लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार। देखो मैंने ताड़ी भी ट्राई किया, मगर ताड़ी के ना ताड़ी मीठी लगती है, मगर ये मीठा नहीं है, फ्लेवर वैसा ही है ऑलमोस्ट, पर ये मीठा नहीं है। नहीं सर हमारा हो गया जा रहे हैं। हम ये मछली खा लें और इनको एंजॉय करने देते हैं। हम अब चलते हैं अपना मछली लेके, ठीक है, और मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। तो दोस्तों देखो रॉबिन भाई तो चले गए, कह रहे हैं भाई मुझे और मार्केट घूमनी है, शूट करना है। मैं बोला तब तक मैं अपना जो मछली है आज का वो फिनिश करने की कोशिश करते हैं ना। देखो क्या बढ़िया तरीके से भैया ने ना इसको तवे के ऊपर ना सरसों के तेल में फ्राई किया था काफ़ी देर तक, मतलब मेरे ख्याल से 15 मिनट तक इसको दोनों तरफ से फ्राई किया गया, साथ में प्याज और हरी मिर्च सर्व करी है। आहा, हरी मिर्च का जब खाएंगे ना तड़का, वाह। सबसे पहले तो मछली चेकआउट कराओ। वैसे तो आपने देखा मैंने किस तरीके से पहले वाले फ्रेम में तोड़ा था, वाह जी। ये देख रहे हो क्या गर्मा गर्म हमारी फिश निकल रही है, चेक करो ये देखो। ओए होए धुएं देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से निकल रहा है ना, थोड़ा सा लाइट कम होते जा रहा है डे लाइट जो है हमारा, मगर वाह जी वाह वाह गर्मा गर्म। अच्छा इसमें कांटे भी है, मगर ये जो कांटे हैं ना बिल्कुल पतले वाले हैं, छोटे वाले, तो इसको आप चबा भी सकते हो, खा सकते हो, है ना। आओ अरे वाह, बिल्कुल फ्रेश फिश जो हमने यहाँ कटवाई थी वहाँ पर सामने मार्केट में, और वहाँ से हम लेके आए, और इसका स्वाद जो है ना इतना मीठा मीठा लग रहा ना, मज़ेदार। वाह जो वाह जो, और ये हरी मिर्च कैसे बोल सकता हूँ, हाँ 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 वाह भैया वाह। और ये हड़िया, यहाँ पे हड़िया बोला जाता है, इसको चावल से बनाया जाता है, चावल को ना 3-4 दिन तक रखा जाता है पूरा प्रोसेस करके। और देखिए धुआं कितना उड़ रहा है, सामने चूल्हा जल रहा है, चूल्हे से ना सारा धुआं जो है इधर को आ रहा है, आंखों में लग भी रहा है। फिलहाल एक सिप इसका लेते हैं, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों इस डिश को फिनिश करता हूँ। आई होप ये छोटी सी वीडियो ना बिल्कुल डिफरेंट सी वीडियो मैंने शूट की थी पूरी मार्केट की, किस तरीके से रांची में अलग अलग दिन मार्केट लगती है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आई होप अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ और नए स्वाद के साथ, है ना। अभी के लिए बाय बाय।